स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 4.3 का। तो टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 3 by 8 आवर्स। तो ये होता है 8 9 72 72 plus 3 75। तो ये एक्चुअली 75 by 8 है, 75 by 8 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। ठीक है ना, एक टैंक को आपको फिलअप करना है तो आपके पास दो पाइप्स हैं, एक का स्मॉलर डायमीटर है एक का लार्जर। वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर ओनली स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप से वाटर फ्लो करके टैंक में आ रहा है तो उसको 10 आवर्स ज़्यादा लगेंगे, अगर ओनली अकेले अगर ये लार्जर डायमीटर वाले पाइप से पानी किस में आ रहा है, टैंक में आ रहा है। मतलब अगर ये सेपरेटली यूज होगा तो ये स्मॉलर जो पाइप है वो 10 आवर्स ज़्यादा लेगा किससे, लार्जर पाइप से, ऐसा वो बता रहे हैं। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप टाइम बताइए कि जिसमें एक अगर आप एक ही को ऑन रखते हैं, जैसे स्मॉलर को ऑन रखते हैं तो वो कितना टाइम लेगा, और अगर ओनली लार्जर को ऑन रखते हैं तो वो कितना टाइम लेगा इस टैंक को फिल करने में। और आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी दे रखी है, अगर दोनों टैप को हम ओपन कर देते हैं तो कितने आवर्स लगते हैं, 9 and 3 by 8, जो कि होता है 75 by 8 आवर्स। आई होप एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो टिप हमारी यही रहती है कि हम इसमें 1 आवर का वर्क डन निकालें, 1 आवर में कितना वर्क डन होगा, है ना। तो हम सबसे पहले लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक सेपरेटली, है ना। तो फिल द टैंक सेपरेटली इज एक्स आवर्स, है ना। अगर ओनली आपने स्मॉलर पाइप से वाटर पास होने दिया तो कितना टाइम ले रहा है, एक्स आवर्स ले रहा है। तो टाइम टेकन बाई लार्जर पाइप टू फिल द टैंक सेपरेटली इज हाउ मच, x minus 10 आवर्स। क्योंकि वो बता रहे हैं कि लार्जर डायमीटर वाले पाइप को क्या लगेगा, 10 आवर्स कम लगेंगे कंपेयर टू स्मॉलर वन, है ना। अच्छा, नाउ टैंक फिल बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर। 1 आवर में कितना फिलअप करेगा, तो 1 आवर में कितना फिलअप करेगा, 1 by x part। अब ये कैसे, देखो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है कि x आवर्स लग रहे हैं स्मॉलर पाइप को इस पूरे टैंक को फिल करने के लिए। मतलब x आवर्स लग रहे हैं, अगर यूनिटरी मेथड से मैं जाऊँ इस टैंक को फिल करने के लिए, ना एक टैंक फिल हो रहा है, कितना फिल हो रहा है, एक टैंक फिल हो रहा है, तो 1 आवर में कितना फिल होगा, 1 आवर में फिल होगा, ये x कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो 1 by x ऑफ क्या, टैंक, है ना, 1 by x किसका, टैंक का। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि 1 आवर में अगर ओनली स्मॉलर पाइप के से पानी जा रहा है तो वो कितना पार्ट फिलअप कर देगा, 1 by x, क्योंकि एक्स आवर हमने ये माना था एक्स आवर में पूरा टैंक फिल हो रहा है, एक टैंक फिल हो रहा है, तो 1 आवर में क्या होगा, यूनिटरी मेथड से एक्स का चले जाएगा उधर, क्योंकि आप इसको एक्स को क्या ले सकते हो, 1 into x भी लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, तो ये मैं रब कर देता हूँ। अब सिमिलरली टैंक फिल बाय लार्जर पाइप इन 1 आवर, वो कितना होगा, 1 by x minus 10, है ना, 1 minus x minus 10 पार्ट, इतना पार्ट हो जाएगा, जब लार्जर पाइप ओनली क्या करेगा, 1 आवर के लिए रन होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि टोटल टाइम कितना लग रहा था, 75 by 8, टोटल टाइम टू फिल द टैंक बाय बोथ द पाइप्स इज हाउ मच, 75 by 8 आवर्स, है ना। तो इसका मैंने 1 आवर का निकाला, इसका भी 1 आवर का निकाला, तो इसका भी क्या करूंगा, मैं 1 आवर का निकालूंगा तो उसको क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/75/8। रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाएगा, ये 1 आवर का पार्ट निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं 1 आवर की बात कर रहा हूँ, इधर भी 1 आवर की बात कर रहा हूँ, तो ये तो दोनों पाइप पूरे टैंक को कितने आवर्स में फिल करेंगे वो दे रखा है, तो 1 आवर में कितना होगा, तो 1 से हम क्या कर देंगे,
इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8/75। ओके, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अब मैं आगे का पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x + 1/x-10 इक्वल्स टू 8/75। ओके, तो ये 1/1 आवर का मैंने पूरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कर लिया, क्योंकि पूरा होल वर्क डन 1 आवर का, इधर भी ये 1 आवर का वर्क डन है भाई, बोथ द पाइप्स, और वो कितना पार्ट फिल अप हो रहा है टैंक का, ठीक है, वो भी आवर्स में दे रखा, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये इधर जाएगा, ये इधर, ठीक है, ये आपको पता ही है, x-10 + x/x - 10 = 8/75। ओके, अब क्या होगा, x-10 + x, तो ये हो जाएगा 2x - 10 / x into x, x² - 10x = 8/75। ओके, अब क्या होगा, ये 75 इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 75 × 2x - 10 = 8 × x² - 10x। तो 75 × 2x क्या हो जाएगा, 150x, 75 ये हो जाएगा 750 = 8 × x² 8x² और ये हो जाएगा -80x। ओके, क्लियर, इतना पार्ट, अब हम आगे करते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए मैं इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो इक्वेशन बनेगी 8x² - 80x, तो था ही 150x उधर जाएगा, तो वो भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 750 उधर = 0। तो 8x² - 80 और -150 हो जाएगा -230x प्लस 750 = 0, ठीक है, इतना पार्ट कंप्लीट हुआ। अच्छा, तो अब हम इसको और स्मॉल करते हैं, हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x² 2 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 115x और ये हो जाएगा आपका 375, है ना, ये आपका हो जाएगा 375 = 0, ठीक है। अब हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट रूल यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा लेंदी तो हो जाएगा, पर इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 4, 2 = 8 और 35 नहीं होगा, डिवाइड प्रॉब्लम पड़ेगी, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट रूल ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए आपका क्या है, ए है 4, बी है -115, सी है आपका 375। तो डिस्क्रिमिनेंट रूल होता है b² - 4ac, तो b मतलब -115 का स्क्वायर, -4 × 4 × c, दैट इज 375, ठीक है, तो -115 का स्क्वायर, ठीक है, तो 115 का स्क्वायर और फिर ये आपका, तो हम इसको सोल्व करेंगे, तो 115 का स्क्वायर 13255 आएगा और 225 आएगा और उसको 6000 आएगा, तो इसको आप सबट्रैक्ट करेंगे तो 7225 आएगा, ये d आया आपका, क्या आया, d, और अंडर रूट ऑफ d मतलब अंडर रूट ऑफ 7225 जो कि होता है 85 का स्क्वायर रूट होता है। तो अब आप आगे चलते हैं, तो आपको पता है अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, -b + √d/2a, तो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -115 प्लस रूट ऑफ डी, रूट ऑफ डी की वैल्यू क्या है, 85/2a, तो 2 × 4, तो ये हो जाएगा 115 + 85/8, तो ये हो जाएगा 200/8, ये आएगा 25, तो अल्फा 25 आएगा और बीटा की वैल्यू आएगी आपकी माइनस, मतलब 115 - 85, है ना, तो ये आपका क्या होगा, बीटा आपका नेगेटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये रिजेक्टेड हो जाएगा, तो आपकी जो एक्सेप्टेड वैल्यू कौन सी होगी, 25 है, 25 मतलब एक्स की वैल्यू, ठीक है ना, एक्स मतलब एक्स आवर्स लिए थे ना आपने स्मॉलर पाइप के, तो स्मॉलर पाइप को कितना टाइम लगेगा, 25 आवर्स, है ना, 25 आवर्स लगेंगे किसको, फिल करने के लिए, टैंक को फिल करने के लिए बाई स्मॉलर पाइप, और एक्स माइनस 10 मतलब 25 - 10 दैट इज 15 आवर्स लगेंगे किसको, लार्जर पाइप को फिल करने, है ना, ये आपका रहेगा क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन का पार्ट। तो ये जो आपने अल्फा निकाला, ये एक्स की हम वैल्यू निकाल देते हैं, एक्स का हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन था हमारा, तो एक्स का वैल्यू हमारा 25 और एक्स आवर्स किसके लिए था, स्मॉलर पाइप के लिए,
तो स्मॉलर पाइप को सेपरेटली टैंक फिल करने के लिए 25 आवर्स लगेंगे और लार्जर पाइप 10 घंटे कम ले रहा था, तो 25 में से 10 चले जाएंगे तो 15 घंटे लार्जर पाइप को लगेंगे। ओके,